साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, नगर परिषद मुंगावली के चुनाव आ चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश नगर निकाय के चुनाव भी कहलाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 में, जहां हमारे साथ श्रीमती नीतू नरेश ग्वाल मौजूद हैं। और नरेश ग्वाल एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यंग हैं, युवा हैं और अभी राजनीति में आए हुए, इनको केवल 6 या 7 साल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का ज़िले के जो नेता हैं, उन्होंने इन पर विश्वास जताते हुए इन्हें मंडल अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी दी है। और मंडल अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने मुंगावली में कई ऐसे काम किए हैं जो जनता याद करती है। अब चूँकि नगर परिषद के चुनाव आ चुके हैं, तो नगर परिषद के चुनावों में इनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रही हैं, जिनका प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अगर इस वार्ड से जनता इन पर विश्वास जताती है तो ये जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जनता को क्या क्या उपहार देंगे। तो नरेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, इसका निर्वाह आप किस तरीके से कर रहे हैं? सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे 2018 में भाजपा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। मेरे नेतृत्व में मुंगावली मंडल ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था। उसमें पूरा शहर, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही शहर में हमेशा पिछड़ती थी, लोकसभा में हम जितने भी मतदान केंद्र थे, लगभग 4-5 मतदान केंद्र छोड़ दें तो हम पूरे शहर में भाजपा नए आयाम लिखी थी। और आपको पता ही है कि पूरे लोकसभा में एक इतिहास रचा गया था। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से पूरे लोकसभा में जीती थी। उसी तरह मेरे मंडल में भी भाजपा ने बहुत ही अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का साथ दिया था। माननीय सांसद डॉक्टर KP यादव जी को जिताया था। और उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी भाजपा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर रहते हुए मैंने मेरे मंडल को 75 मतदान केंद्र है, इसमें 75 मतदान केंद्रों में लगभग 60 से 65 मतदान केंद्रों पर बहुत अच्छी जीत अर्जित की थी। उसके बाद आज नगरपालिका के चुनाव है, नगरपालिका उपचुनाव में भी आज हमारी मुंगावली में 15 पार्षद भाजपा की लड़ रहे हैं, जो कि 22,000 से ऊपर कुल मतदाताओं की सूची पूरी मुंगावली नगरपालिका में है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र शासन की अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं पूरे देश और प्रदेश में, मैं नहीं समझता कि शायद ही आज ऐसा कोई भी घर जिसमें किसी भी व्यक्ति को आज केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन की योजना का लाभ ना मिल रहा हो। जैसा कि अभी आपने कहा कि वार्ड यहाँ पर 15 वार्ड हैं और हर एक वार्ड से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, तो चूंकि हमने जिस तरीके से यहाँ पे सर्वे किया है तो हमें ये ज्ञात हुआ है सर्वे के दौरान कि जो पार्टी में पुराने नेता थे उनको दरकिनार किया गया है, तो जो बागी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो टिकट की दौड़ में थे, तो उन बागियों से क्या नुकसान हो सकता है भाजपा को? संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है, अंतिम निर्णय होता है। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, संगठन सर्वोपरि होता है और जो निर्णय लिया जाता है वो संगठन की सहमति से ही होता है। आज जिन व्यक्तियों को टिकट मिला है, आज हर वार्ड में हमारे पास आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा में कितने कार्यकर्ता हैं, कि एक वार्ड में 10-10 कार्यकर्ता, 15-15 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे। जबकि सामने अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो किसी वार्ड से टिकट मांग रहा हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज अगर किसी व्यक्ति को टिकट मिला है और जो आज नाखुश हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो नाखुश हैं हम उन्हें मनाएंगे और मनाकर उनकी पटाछेप कर अपने साथ में कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बार से भारी भारी बहुमत से जिताएंगे। रही बात निर्दलीय की, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय को लेकर काम करती है। अंत्योदय का मतलब कि जो समाज की अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, दीन है, दुखी है, परेशान है, उसको हम कैसे समाज की प्रथम पंक्ति में लाएं और कैसे हम उसका समाज में आगे जाकर उत्थान करें, इसको लेकर काम करती है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के 15 के 15 पार्षद भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और हमारी
मंगावली में जो आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, अध्यक्ष नहीं बैठा है, इस बार एक बार मंगावली में फिर इतिहास रचाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मंगावली में बैठाया जाएगा। जैसा कि विपक्ष के रूप में यहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी लगभग सभी वार्डों से अपने प्रत्याशियों को उतारा है मैदान में, तो कांग्रेस विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रही है और मंगावली में अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई भी उथल पुथल हो सकती है। तो कांग्रेस से आपको मतलब किस तरीके का नुकसान है या नहीं? कांग्रेस शून्य के बराबर है। अगर मैं कहूं कि मंगावली में, मैंने आपसे कह रहा हूं कि एक वार्ड में हमारे 10-10 प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, जो वोट टिकट मांग रहे थे कि हमें टिकट दिया जाए। कांग्रेस के पास तो किसी वार्डों में एक प्रत्याशी नहीं था, वो तो ये देख रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज हैं, और नाराज होने के बाद अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो हम उनको कब कैसे कैच करें, तो उनकी आंखें उसी पर थी। अगर हम बात करें 15 वार्डों की, तो आज कांग्रेस के पास तो वार्ड क्रमांक 2 ऐसा एक वार्ड है जहां पर उनका प्रत्याशी उतारा ही नहीं गया है। मध्य प्रदेश में जहां तक हम बात करें कि कांग्रेस और भाजपा का ही रहा है सबसे ज़्यादा बोलबाला, अब चूंकि यहां पे आम आदमी पार्टी ने भी जो है पदार्पण कर दिया है और आपके नगर परिषद के चुनाव में कई वार्डों से आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये बेदाग छवि की पार्टी है, तो कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी को ही पसंद कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में आपका? आम आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आम आदमी पार्टी मंगावली में कहीं 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 भी नहीं है। आज प्रत्याशी भले ही उन्हें उतारे हों, और रही बात उनके परिणाम की, तो जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा आम आदमी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। आपके वार्ड से भी एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है अख्तर खान। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है अख्तर खान जी का। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरी, उन्होंने मेरी उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रचार प्रसार करें और एक सुखद परिणाम आए, इसकी मैं मंगल। वर्तमान में अगर बात करें, जैसे आप पार्टी के संबल से खड़े हुए हैं, कमल का फूल आपका चुनाव चिन्ह है, और अगर देश स्तर पर बात की जाए तो अग्निपथ और अग्निवीर योजनाओं का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। इससे पहले किसानों के लिए जो बिल लाए गए थे उनका विरोध हुआ, जिसमें पीएम जी को खेद व्यक्त करना पड़ा, और अब चूंकि ये युवाओं के लिए जो अग्निपथ और अग्निवीर आई है, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है आपको? आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए बहुत काम कर रही है, चाहे युवा हों, महिलाएँ हों, पुरुष हों। आज अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए भी रोज़गार के बहुत अवसर खोले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के माध्यम से उन्हें बहुत आगे ले जाना चाह रही है। आज मंगावली की बात करें तो मंगावली में आज आईटीआई कॉलेज खोलने की घोषणा हो गई है, जल्द से जल्द आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा। और अगर हम देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कुशल नेतृत्व, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज ऐसे नए आयाम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व। मंगावली के विकास की बात कर लेते हैं, चूँकि मंगावली स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन हमारे सर्वे के दौरान हमने ये देखा कि मंगावली में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि लगे कि ये स्मार्ट सिटी है। नालियों की दुर्दशा, कीचड़, सड़कों का बेहाल, मतलब बुरा हाल है। तो अगर नगर परिषद में आप चुन करके आते हैं, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद के भी दावेदार हैं आप नगर परिषद में, तो क्या करेंगे आप? अगर मैं आपको स्मार्ट सिटी की बात कहूं, तो चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी की हमें सौगात मंगावली के लिए मिली थी, मैं उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ सभी नागरिकों की तरफ से। बाकी अगर आप जो कह रहे हैं नालियों की दुर्दशा या सड़कों की दुर्दशा, तो आपको ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नगर पंचायतों में जो मंगावली का स्थान है वो प्रथम आया था, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नगरपालिका सीएमओ के लिए भोपाल बुलाकर उनको पुरस्कृत किया था। इससे गौरव की बड़ी बात मंगावली के नागरिकों के लिए कोई नहीं होगी। आज स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, तो हमारे चाहे भुजरिया तालाब हो, चाहे हमारा झील तालाब हो, आज उनका सौंदर्यीकरण पूरे मंगावली में आपको देखने का मिलेगा। आज अगर हम बात करें कि हमारे सरकारी बगीचा जो जीर्ण धीर्ण था, आज सरकारी बगीचा, मंदिर प्रांगण, पूरा बगीचा बहुत अच्छा हो गया है। आज हमारी घर की महिलाएं, बच्चे घूमने जाते हैं, दर्शन करते हैं, बैठते भी हैं, अपने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज मंगावली को, अगर आप कहें कि स्मार्ट सिटी अगर हो गई है और अभी भी मूलभूत सुविधाएँ अगर नहीं मिल रही हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। शिक्षा,
रोज़गार, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इनके लिए क्या आप व्यवस्थाएं करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बिल्कुल कर रही है। शिक्षा, पानी के लिए भी आज हमारे लोक यांत्रिकी मंत्री सम्माननीय माननीय राव ब्रजेंद्र सिंह यादव जी मध्य प्रदेश शासन के इसी विभाग के मंत्री हैं, तो उनकी तो मूलभूत यही योजना है कि हर घर नल और हर नल से जल, स्वच्छ जल हर घर मिले, हर घर पहुँचे, और कभी भी हमारी महिलाओं को, बच्चों को परेशान ना होने पड़े पानी के लिए। रही बात शिक्षा की, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ आईटीआई कॉलेज की बहुत दिनों से मांग थी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले ही उसको पूर्ण कर ली है, और जल्द से जल्द हमारे यहाँ आईटीआई कॉलेज की खुलने वाला है, जिससे हमारे यहाँ के जो बच्चे आज अशोकनगर, गुना, इंदौर और भोपाल पढ़ने जाया करते थे, उनको अब मुंगावली छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, और अच्छा उनका निखार विकास होकर मुंगावली का वो नाम रोशन करेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र सिंह यादव जी, जिन्हें रज्जन भी कहा जाता है, आपके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे सर्वे के तहत हमने ये पाया कि उनका भी बहुत अच्छा होल्ड है आपके वार्ड में जी जी। और कई हमने मतदाताओं से भी बातचीत की, तो ज्ञात हुआ कि वो आपको फाइट दे रहे हैं, और कोई मतलब नई छवि नहीं है वो, काफ़ी उनका भी अच्छा वर्चस्व है वार्ड के अंदर, तो उनसे आपको किस प्रकार का नुकसान है? रज्जन सिंह यादव जी मेरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता थे, एक अच्छे कार्यकर्ता थे। 2014 के नगरपालिका के चुनाव में मैं नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव मेरी धर्मपत्नी लड़ी थी, उस समय मेरी ही अनुशंसा पर वार्ड क्रमांक 14 से उनके लिए भाजपा से टिकट दिया गया था, और भाजपा की नेतृत्व लेकर, भाजपा की रीति नीति को लेकर उन्होंने वोट मांगा था, जो बहुत निकटतम मतों से वो चुनाव हारे थे, जो मात्र आज से 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उनको लेकर वार्ड में जाया करते थे, उनके आधार पर वो टिकट मांगते थे, उनके आधार पर मेरे पास भी आए थे ऐसे मंडल अध्यक्ष कि आप मुझे वार्ड नंबर 12 से या 13 से मुझे भाजपा से टिकट चाहिए। मगर ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है, जो जैसे बागियों की सूची में क्या उनका भी नाम? बिल्कुल बिल्कुल जी, उनका भी नाम है। ऐसे हमने पूरे मुंगावली से ऐसे लगभग हमारे 15 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में अभी जो भाजपा से बागी होकर जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची माननीय जिलाध्यक्ष जी के पास। ये भी आपने कहा था कि हम बागियों को मनाएंगे, तो क्या आप उन्हें भी मनाएंगे? बागी वो नहीं, बागी जो प्रत्याशी हैं वो तो अब सामने ही हैं, जो आज मैंडेट जिन्हें किसी न किसी चिन्ह लेकर आज चुनाव लड़ रहे हैं। मगर आप जो कह रहे हैं ना कि जो नाराज हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, उन्हें मनाएंगे हम, जो आज घर बैठे हैं, अगर नाराज़ हैं या किसी बात से अगर दुखी हैं। हमारे भाजपा में कहते हैं कि मतभेद तो हो सकते हैं मगर मनभेद नहीं हो सकते, तो आज हमारे अगर निर्दलीय जो आज घर बैठे हैं नाराज, अगर हमारे कोई साथी हैं तो आज हमसे किसी मतभेद पर नाराज़ हैं, हम उन्हें मनाएंगे, मगर आज भी हमारे मन एक हैं, और निश्चय ही हम उनको मनाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे 15 वार्डों में। हमारा आखिरी सवाल आपसे कि आप चूँकि ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आपका चुनाव लड़ा जा रहा है, और उन मुद्दों को किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे जीतने के बाद? मैं तो मुद्दे नहीं भाई साहब, मैं तो योजनाएं लेकर जाऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में एक कहते हैं कि पेट में, माँ के पेट में बच्चा जब आता है तो अर्जन से लेकर, और जब गंगा माई में अस्थियाँ विसर्जन होंगी तब तक के लेकर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी अनेकों योजनाएं हैं मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र शासन की, कि आज उन योजनाओं में इतनी दम है कि मैं अगर किसी मतदाता के पास जाऊंगा तो मैं समझता हूं वो मतदाता कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन की और लोकसभा की योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं किसी रूप से ले रहा है, कोई भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो ये थे वार्ड नंबर 13 के नरेश ग्वाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, और इनके विचार अभी आप लोग सुन रहे थे। इसी तरह हमारा ये अभियान चलता रहेगा, और हम अन्य वार्डों में भी अभी जाएंगे, और वहाँ जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ शंभू राठौर और कामिल अली की रिपोर्ट।